हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कशिका जैन और मैं बात करने वाली हूँ फियर्स के बारे में। हम सभी को किसी न किसी बात का डर लगा रहता है। थोड़ा बहुत डरना किसी भी सिचुएशन में स्वाभाविक होता है, लेकिन अगर यही डर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर हम छोटे छोटे कामों में या लाइफ के किसी भी बड़े डिसीजन में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बड़ा ही अनसर्टेनिटी है लाइफ में, पता नहीं क्या होगा, और कई बार हम एक्शंस नहीं ले पाते हैं, कई बार एक्शंस बहुत डिले हो जाते हैं, कई बार हमारे को नुकसान भी सहना पड़ सकता है और भी तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज मैं किसी स्पेशल फियर के बारे में बात नहीं करूँगी, मैं जनरल फियर के बारे में बात करूँगी कि फियर की साइकोलॉजी क्या होती है, किस किस तरीके के फियर्स होते हैं और हम फियर्स को एक्चुअली एक्वायर कैसे कर लेते हैं और इस फियर से दूर कैसे हम हो सकते हैं, इन सब के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। सबसे पहले ये समझते हैं कि डर क्या है। देखिए, आप डर को कैसे दूर कर सकते हैं ये तब तक आपके लिए काम नहीं करेगा जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि डर क्या है। जो फियर है वो एक मेंटल स्टेट है, यानी कि आपकी मानसिक अवस्था, और कोई भी मानसिक अवस्था बनती है आपके विचारों से। आप उस सिचुएशन में किस तरीके की एक्सप्लेनेशन अपने आप को देते हैं उससे आपकी मेंटल स्टेट बनती है। अब कुछ फियर्स तो ऐसे होते हैं जो रियलिस्टिक होते हैं, जो जनरलाइज्ड होते हैं, यानी कि सबके लिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई 50 माले से ऊपर नीचे गिरेगा, मैं या आप, तो दोनों की हड्डियां टूट जाएंगी, डेथ भी हो सकती है। तो वहाँ पर 50 जो माले की बिल्डिंग है उस पर खड़े होकर अगर आप और हम डर रहे हैं तो वो स्वाभाविक है, वो रियलिस्टिक फियर है। लेकिन अब यही कंडीशन ऐसी थोड़ा चेंज करके देखते हैं कि एक स्विमिंग पूल है जिसमें 4 फुट से लेकर केवल वो 6 फुट गहरा है। अब उसमें एक इंसान है, वो बहुत अच्छी तरीके से पानी में है, स्विमिंग कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, और वहीं पर दूसरा इंसान है जो है उसे ये डर सता रहा है कि वो डूब जाएगा, वो नहीं बचेगा, वो पानी में उतरते ही डूब जाएगा। अब ये डर जनरलाइज्ड नहीं है, सबको नहीं है, और ये डर रियलिस्टिक नहीं है। हो सकता है उस पर्टिकुलर पर्सन को पानी से रिलेटेड कोई फियर इसलिए बैठा हो कि उसका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि कभी वो पानी में उतरने की कोशिश करा, उसका पैर फिसल गया हो, या किसी ने उसे धक्का दे दिया हो और वो थोड़े टाइम के लिए उसमें डूबने लगा हो। तो हो सकता है उसने वो वहाँ से फियर को एक्वायर कर लिया है, या उसने बहुत ज़्यादा सुना हो पानी के बारे में कि पैर फिसल जाता है, स्विमिंग पूल में बहुत चिकना होता है और फिर आपकी सांस रुक जाएगी, आपके मुंह में कान में पानी चला जाएगा, आप घबरा जाओगे, डेथ हो जाएगी, वगैरह वगैरह कुछ सुना है इस तरीके का, या कोई टीवी सीरियल कहीं पर देखा हो उसने इस तरीके का, तो वहाँ से उसने उस फियर को एक्वायर कर लिया। तो कुछ होते हैं हमारे रियलिस्टिक फियर और कुछ होते हैं हमारे इमेजिनरी फियर, या फिर हमारे रेफरेंस बेस्ड फियर जिनको हमने एक्वायर कर लिया होता है। अब जो रियलिस्टिक फियर्स हैं तो उनके लिए तो स्वाभाविक है आपको प्रिकॉशन लेना, आपको ध्यान रखना और उसके बारे में आप पूरा अलर्ट रहें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो तो सभी के लिए हैं, तो वो तो सब समझ जाते हैं। मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ उन फियर्स के बारे में जो इमेजिनरी हैं, जो एक्सक्लूसिवली आपसे एसोसिएटेड हैं। अब उन फियर्स को कैसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम आती है। अब जैसे सपोज़ कीजिए कोई इंसान है, एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और उस वक्त उनको फियर आ रहा है कि पता नहीं ये बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा, मैं जो कैपिटल लगाना हूँ वो डूब जाएगी, या मुझे कितना प्रॉफिट होगा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा कंपटीशन आ जाएगा, और कंपटीशन आ जाएगा तो मेरा जो चलता चलाता बिज़नेस है वो फिर से फेल हो जाएगा। इस तरीके के कुछ उनके मन में विचार चल रहे हैं। अब क्योंकि ये विचार चल रहे हैं और रिपीटेडली रीइंफोर्स हो रहे हैं, इसलिए क्या है, हमारा दिमाग, हमारे जो विचार चलते हैं उसके बेसिस पर वो एक मेंटल इमेज तैयार कर देता है, और जितना ज़्यादा आप रिपीट करते हैं उतनी विविड, उतनी क्लियर वो मेंटल इमेज बन जाती है। और आप उस इमेज को बनाते वक्त जब रिपीटेडली नेगेटिव विचार दोहरा रहे हैं तो उससे आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस एसोसिएट हो जाते हैं। तो अब आपके दिमाग में जो कल्पना, जो मेंटल स्टेट बनी है, उसमें नेगेटिव तस्वीरें भी हैं, नेगेटिव डायलॉग्स भी हैं, और उसमें आपको पैनिक करने वाली सारी फीलिंग्स भी हैं। तो जिस तरीके की इमेज आपके माइंड में रेडी होती है उतना ज़्यादा आप उसे रियलिस्टिक लेते हैं, बिकॉज वो आपके लिए रियल फियर होता है क्योंकि वो आपके माइंड में उसकी पिक्चर बन चुकी है। जबकि दूसरों के लिए ऐसी कोई इमेज नहीं होती है, तो वो सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से क्या समझाते हैं, अरे इसमें डरने वाली क्या बात है,
डरने की कोई बात नहीं है, सभी बिजनेस करते हैं। अच्छा पॉजिटिव सोचो, एक काम करो, किसी से हेल्प ले लो, कोई ट्रेनिंग ले लो और ये कर लो, वो कर लो, वो आपको 50 सॉल्यूशंस दिखाते हैं। और वो सॉल्यूशंस क्योंकि आप अपनी मेंटल स्टेट को चेंज करे बिना अपनाने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या होता है, वो आपके लिए टेम्प्रेरी काम करते हैं। आप टेम्प्रेरली मोटिवेट हो जाते हैं, आप करते हैं, लेकिन एक दो दिन में आप वापस वहीं पर पहुँच जाते हैं, बिकॉज आपकी जो इंटरनल इमेज है, जो आपके माइंड में सेट इमेज है, उसे तो आपने क्लीन ही नहीं किया। जब तक आप उसे क्लीन नहीं करेंगे तो वो आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल इमेज को मैच करने की कोशिश करेगा और इंटरनल आपके ऊपर कंट्रोल कर लेगी, बिकॉज जो भी चीज़ अंदरूनी होती है वो आपको कंट्रोल करती हैं, तो वो आपके लिए टेम्प्रेरी सॉल्यूशंस रह जाएंगे। इसी तरीके से अगर सपोज़ कीजिए किसी को किसी गोस्ट का फियर है और उससे बोले कि एक काम करो, गले में ताबीज़ पहन लो या ये लो हनुमान चालीसा अपने पास रख लो और जब भी भूत का आवाज़ है तो हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाना या ये ताबीज़ है इससे भूत भाग जाएगा। अरे भाई ऐसे नहीं भागेगा, क्योंकि भूत तो आपके दिमाग में रहता है, भूत कहीं बाहर नहीं है। तो वो जो ताबीज़ आपने पहनाया है या जो अपनी पॉकेट में आपने हनुमान चालीसा रखी है उससे तो एक्सटर्नल कहीं होगा तो उसके लिए टेम्प्रेरी आपको लगेगा, लेकिन वो भूत क्योंकि आपके अंदर ही रहता है तो इंटरनल इमेज जब तक आप नहीं मिटाएंगे तो ये सारे जो सॉल्यूशंस है वो आपके काम नहीं आएंगे। इसी तरीके से फ्यूचर में कोई बीमारी का किसी को डर रहता है, जैसे किसी के घर में मेरे पास एक केस आया था, सो उनके ब्रदर की एक लड़का था यंग 26 ईयर्स का, उसके ब्रदर की कैंसर से डेथ हो गई थी, तो उसे लगा कि भाई मेरे ब्रदर की हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे को कुछ ऐसा हो कि सारी फैमिली में ये कैंसर फैल जाए, तो उसे डर लगा रहने लगा कि उसको भी कैंसर हो जाएगा, उसको बीमारी का एक डर लगा रहने लगा। और उसने इंटरनेट पर इतना सर्च कर 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 कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, मुझे अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखना चाहिए, मुझे क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस, उसने इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली और उसे इतना रिपीट कर लिया, उसके अंदर इमोशनल वैल्यू इतनी बढ़ गई कि उसके दिमाग में पूरा सेट हो गया। अब उसको कुछ भी ज़रा सा भी सिम्टम आता, जैसे अगर हल्की सी भी हार्ट बीट किसी दिन बढ़ जाती तो सीधा उसका दिमाग इस तरीके से जाता कि हार्ट बीट बढ़ी है इसका मतलब क्या हो सकता है, फटाफट गूगल करा, अच्छा हार्ट अटैक भी आ सकता है, अच्छा जो है ना ये इसलिए हो रहा है। एक बार उसके मुंह में छाले हो गए तो उसको छाले से पता चला कि ये तो कैंसर में भी मुँह में छाले हो सकते हैं, तो उसको सीधा दिमाग गया कि ये तो मेरे कैंसर के, मतलब केवल हार्ट अटैक ही नहीं जितनी भी, और या कैंसर ही नहीं जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां थी, अब ज़रा सा भी कोई भी लक्षण आता उसको सिंपल ये लगने लगता, क्योंकि उसके भाई की डेथ हुई थी बीमारी से, तो उसको लगने लगता कि उसको भी कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो सकती है और उसकी भी डेथ ऐसे हो जाएगी। तो इस तरीके की भी कई बार फियर्स आते हैं बच्चों को, कई बार परफॉर्मेंस का फियर आ जाता है, उनके स्कूल में कोई परफॉर्मेंस हो, स्टेज परफॉर्मेंस हो या एग्ज़ाम है, और उसमें अगर उनको है कि बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, कहीं लोग मेरी हंसी ना उड़ाएं, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इस तरीके के डायलॉग्स चलते रहते हैं, तो फिर से मेंटल स्टेट तैयार हो जाती है, वो फियर आपके अंदर आ जाता है। और फिर बाहर वाले सबके कहते हैं रिलैक्स रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, तो ये जो सॉल्यूशंस हैं ये आपके काम नहीं आते हैं, क्योंकि जब तक आपके माइंड चेंज नहीं होगा, आपकी मेंटल स्टेट चेंज नहीं होगी, आपकी वो इमेजिनेशन आप चेंज नहीं करेंगे, तब तक आपका कोई भी फियर नहीं जाएगा। तो इन तमाम एग्जांपल से आपको ये समझ में आया होगा कि जो हमारे इमेजिनरी, जो हमारे रियलिस्टिक फियर्स नहीं हैं, उनके अलावा जो सारे फियर्स हैं वो इमेजिनरी फियर्स हैं, यानी कि वो हमारी ही नेगेटिव एक्सप्लेनेशन की वजह से जनरेट हो जाते हैं, वो हमारी खुद की क्रिएशन है, लेकिन वो हमारे लिए इतने रियलिस्टिक होते हैं क्योंकि हमारा माइंड जो हमारी कल्पना है, जो हमारी इमेजिनेशन है और जो रियलिटी है उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, तो वो उनको भी रियल तरीके से लेता है और वो हमारे लिए रियल होते हैं जबकि दूसरे के लिए वो कुछ नहीं होते। इसलिए ऊपर ऊपर से समझाना या रेडीमेड सॉल्यूशंस काम नहीं करते हैं, आपको अपनी मेंटल स्टेट को चेंज करना होता है। अब बात करते हैं कि इस तरीके के फियर्स को आप चेंज कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब आपकी नेगेटिव एक्सप्लेनेशन की वजह से एक मेंटल स्टेट बनी तो आपकी पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन की वजह से ही आपकी मेंटल स्टेट चेंज होगी, बिकॉज हमारा माइंड जो चीज़ लर्न कर सकता है उस चीज़ को अनलर्न भी कर सकता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी होती हैं, देखी होती हैं, करी होती हैं, जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस बढ़ती है तो फिर हम अपने बिलीव्स उसके बारे में चेंज करने लगते हैं, तो वो पहली चीज़ें जो हमने सीखी होती हैं वो धीरे धीरे यूज़ में आना बंद हो जाती हैं और हमारा माइंड उन्हें
अनलर्न कर देता है। तो वो लर्निंग हमारे अंदर होती है लेकिन किसी यूज़ की नहीं होती है। जैसे कि बिल्कुल कोई एक सांप है, उसे तभी तक डर लगेगा जब तक उसके अंदर उसके जहरीले दांत हैं, लेकिन अगर किसी ने उसके जहरीले दांत तोड़ दिए तो अब वो एक टॉय के जैसा हो गया, अब उसे डरने वाली कोई बात नहीं है। इसी तरीके से अगर किसी भी मेमोरी की इमोशनल वैल्यू अगर ख़त्म कर दी जाए तो वो मेमोरी यूज़लेस हो जाती है। तो अब इसमें भी यही होता है कि जब आप अपनी फियरलेस मेंटल स्टेट बनाते हैं तो आप उस सिचुएशन की कितनी रियलिस्टिक और पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन अपने माइंड को देते हैं, तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी नई मेंटल स्टेट बनने लग जाती है। जैसे वो स्विमिंग पूल वाला एग्जांपल ही हम दोबारा से ले लेते हैं कि एक लड़का है, उसे स्विमिंग पूल में जाने से डर लगता है कि वो पानी में जाएगा तो वो डूब जाएगा, जबकि स्विमिंग पूल की जो गहराई है वो केवल 6 फुट है। और 6 फुट में कोई ऐसा नहीं है कि जो है ना, अगर वो सपोज़ कीजिए पानी के अंदर भी चला गया कि डूब के एकदम से मर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर और भी लोग होते हैं, ट्रेनर्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं सुन रहा है किसी की, उसको लग रहा है कि ऐसा हो ही जाएगा। तो अब उसे अगर अपने फियर को अनलर्न करना है, नई मेंटल स्टेट बनानी है, तो कैसे बनाएगा वो? उसको ये समझना होगा कि नहीं, मैं पहले 4 फुट से जो है ना स्टार्ट करूँगा, मैं धीरे धीरे अपना पैर डालूँगा जो है ना, और मैं उस हैंडल को जो वहाँ पे सपोर्ट है, जो रस्सी लगी होती है, उसको पकड़ लूँगा, मेरे पास बिल्कुल मेरा ट्रेनर खड़ा रहेगा और मैं वहाँ पर उसमें धीरे धीरे 4 फुट में जाऊँगा। जब मैं 4 फुट से कंफर्टेबल हो जाऊँगा, जो मेरा ट्रेनर मुझे सिखा रहा है, मैं उसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करूँगा, तो मैं आगे 4 से 5 फुट में जाऊँगा और धीरे धीरे ऐसे करके कुछ दिनों की प्रैक्टिस करके मैं आगे जाऊँगा और मैं आराम से सीख सकता हूँ। अब इस तरीके से जैसे ही वो पॉजिटिव एक्सप्लेन करने लगेगा अपने आप को, जैसे ही वो लर्निंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने लगेगा कि स्विमिंग कैसे करते हैं या स्विमिंग पूल में अच्छी तरीके से इन्जॉय करने के क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, किन बातों का ध्यान रखना होता है, और वो उसकी प्रैक्टिस करने लगेगा, तो उसकी नई मेंटल स्टेट बननी स्टार्ट हो जाएगी। माइंड अभी तक जिस चीज़ में अनकम्फर्टेबल था वो धीरे धीरे कम्फर्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा, और जितनी ज़्यादा वो लड़का प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा वो अपनी फियरफुल स्टेट से बाहर आकर एकदम रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसकी परफेक्ट प्रैक्टिस से कितनी जल्दी उसका फियर चला गया और वो नॉर्मली स्विमिंग पूल में अब इंजॉय कर सकता है। यही सेम आप किसी भी तरीके के फियर को दूर करने के लिए कर सकते हैं, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो हमें बताती है कि एक ही सिचुएशन में ऑल्टरनेटिव वेज क्या हैं आपके सोचने के, और किस तरीके से आपकी थिंकिंग, जो आपकी थॉट्स होती हैं, वो आपके अंदर इमोशंस पैदा करती हैं, और वो इमोशंस कैसे आपको बिहेवियर के लिए रेडी करते हैं। तो जैसे ही आपने सोचा कि नहीं, मैं कर नहीं सकता, मैं इसमें डूब जाऊंगा, तो आपके अंदर फियर जनरेट हुआ और फियर ने आपको उस सिचुएशन से डिटैच कर दिया, दूर हो गए। जैसे ही आपने ये सोचा कि प्रैक्टिस करके धीरे धीरे मैं कंफर्टेबल हो सकता हूँ, मेरे लिए आसान हो सकता है पानी में जाना, तभी आपके अंदर जो फियर है वो न्यूट्रल होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका बिहेवियर कैसे होगा कि आप स्विमिंग पूल के में जाने के लिए अपने आप को तैयार महसूस करेंगे। तो हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है किसी भी सिचुएशन में, हम यानी कि किस तरीके से उसको इवेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने आप को, उससे इमोशंस एंड इमोशन से हम बिहेवियर के लिए रेडी होते हैं। तो कोई भी फियर को दूर करने का यही आसान तरीका है। तो मैंने आपसे बात की कि फियर होता क्या है और फियर को जो है ना आप कैसे दूर कर सकते हैं, और आप ये फॉर्मूला किसी भी तरीके के फियर को भगाने के लिए, दूर करने के लिए लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने लेवल पर मदद ना कर पाएँ तो डेफिनेटली आपको अपने साइकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए, बिकॉज वो आपको CBT की बहुत सारी टेक्निक्स सिखाते हैं और आपके अंदर से वो फियर्स निकालते हैं। कुछ फियर्स बहुत इंटेंस लेवल के होते हैं जिनको हिप्नोथेरेपी की सहायता से आपके अंदर से उनकी इमोशनल और मॉड्यूलेशन वैल्यू को ख़त्म किया जाता है, और फिर आपको आगे फ्यूचर के लिए कुछ टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, क्योंकि फियर आपकी लाइफ को बहुत परेशानियों में डाल सकते हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किल आ सकती हैं और आप बहुत कुछ अचीव करने से पीछे हट सकते हैं। तो फियर जो है आपके अंदर फिजिकल सिम्टम्स भी पैदा करता है, तो कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इसे किसी फिजिकल डिजीज़ से, फियर में सीवियर एंग्जाइटी भी होती है, तो ये आपके लिए बहुत परेशानी कर सकता है। तो फियर्स को भी आप अपने सीरियस ले लें और इसके बारे में खुलकर बात करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो उन तक ज़रूर पहुँचा दें। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करूंगी। स्टे कनेक्टेड।